हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी यार, मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप कौन कौन सी गलतियां अपनी साइट के ऊपर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी साइट जो है वो बार बार एडसेंस की तरफ से रिजेक्ट हो रही है ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, लो वैल्यू कॉन्टेंट और बहुत सारे जो एरर्स आपको आ रहे हैं। तो उनका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर है, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताऊंगा अगर आप ये अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, आप एक मंथ के लिए कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा काम करोगे, तो आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट भी देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज जल्दी से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो और 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेल गाइज, जो पहला पॉइंट होता है एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए वो होता है आपकी साइट का यूजर एक्सपीरियंस, कि आपकी साइट कैसे रिएक्ट करती है फोन और लैपटॉप दोनों वर्जन के अंदर, और जब आपकी साइट के ऊपर कोई यूजर आता है तो वो कैसा फील करता है। गूगल एडसेंस इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक साइट नजर आ रही होगी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ट्रेवल नीश के रिलेटेड एक साइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर मेन्यू के अंदर चार कैटेगरीज को एड किया गया है। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी नीश के रिलेटेड चार कैटेगरीज को आपने लाजमी हेडर मेन्यू के अंदर ऐड करना है, जिससे आपकी साइट का डिफाइन हो कि आपकी साइट किसके रिलेटेड है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, आप क्या करते हो, जैसा आपको थीम मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से, जनरेट प्रेस हो गया, या उसके अलावा जो है वो आप एस्ट्रा थीम ले लें, ये ज्यादा जो है वो फेमस थीम है वर्डप्रेस के। तो अगर आप इनको जब यूज करते हो तो आप सिंपली एज इट इज आपको जैसे मिलता है तो आप उसको ऐड कर लेते हो अपनी साइट के ऊपर। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने थोड़ा बहुत जो है वो उसको एलिमेंटर से आपने बेटर बनाना है। आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आप मैंने एक मेन्यू ऐड किया, बैनर ऐड किया सॉरी, उसके बाद जो है आप नीचे देख सकते हो कि मैंने रीसेंट पोस्ट का ऑप्शन ऐड किया, थ्री विजेट्स जो है वो मैंने हॉरिजेंटली जो है वो ऐड किए हैं, आप देख सकते हो नीचे तक। और यहाँ पर जो है उसके बाद बात आ जाती है आपके फुटर मेन्यू की, और उसमें फुटर मेन्यू में आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत जो है वो आपने अपनी साइट के बारे में लिखना है कि आपकी साइट किसके बारे में है, उसके बाद आपने लेटेस्ट पोस्ट ऐड करनी है और इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करनी है जो आप सबको पता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये आपने लाजमी ऐड करने है। उसके बाद जो है वो आपने अबाउट अस पेजेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, इसके अंदर जो है वो आपने थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखना है, और अबाउट अस पेज के अंदर आपने कभी भी AI का यूज नहीं करना, AI कॉन्टेंट आपने यूज नहीं करना या कहीं से कॉपी नहीं करना, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने बारे में लिखना है, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है कि ये क्या करेगी, क्या प्रोवाइड करने वाली यूजर को, उसके बाद हो सके तो आपने अपनी एक जो है वो इमेज आपने ऐड करनी है जिससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज की। कॉन्टेक्ट अस पेज में जो है वो आपने सिर्फ एक फॉर्म नहीं ऐड करना, जिस तरह ये फॉर्म ऐड किया हुआ है, तो और उसके साथ जो है आपने फॉर्म के साथ साथ आपने अपनी एक जीमेल भी ऐड करनी है, जिससे जो है वो थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो आपने क्या करना है, अपनी साइट के रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट बनानी है, मिलके फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना लो, इंस्टाग्राम के ऊपर बना लो, तो वो आपने लाजमी जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर वो वाले अकाउंट्स यहाँ पर लगा दे। तो ये सिंपल स्टेप्स जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करेंगे। सो वेल गाइस, ये थे यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट, और यहां तक जो है वो आपके एडसेंस के 20% चांसेस कवर हो गए। अब उसके बाद बात आ जाती है हमारी कंटेंट के ऊपर, कि आपने आखिर कंटेंट कितना लिखना है, कितनी पोस्ट डालनी है। तो आप मोस्टली क्वेश्चन करते हो क्या हम AI से कंटेंट लिख सकते हैं, तो जी हाँ, आप AI से कंटेंट लिख सकते हो, और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि कैसे जो है वो हम ChatGPT के थ्रू जो है वो ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हो। उसके बाद आपने जो आर्टिकल है, उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को आपने कभी भी टारगेट नहीं करना, जिसकी वजह से आपको 100% जो है वो लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने सिंपली लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखने हैं, चाहे आप AI से लिख लो तो डज नॉट मैटर। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो आर्टिकल लिख लेने हैं। दोनों वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, AI से कंटेंट लिखने का तरीका और साथ में आपने कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है गूगल एडसेंस के लिए, तो आप वो वीडियोस देख के आप ये पॉइंट्स कवर कर सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है कि ये कॉन्टेंट भी डाल दिया, सारा यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर कर लिया। उसके बाद आपने जो है वो आप क्वेश्चन करते हो कि कितने आर्टिकल लिखने चाहिए एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, तो मुझे जो है वो मोस्टली 20 आर्टिकल भी एडसेंस
इसका अप्रूवल मिल चुका है, मैंने काफी दफा लिया है, 30 आर्टिकल पे भी मिल जाता है। तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 30 आर्टिकल ही लिखें और डेली का एक आर्टिकल लिखें, और साथ साथ जो है अपनी साइट को जो है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ भी इंडेक्स करें। डेली जो आर्टिकल आप लिखो उसको मैनुअली जाके जो है वो गूगल सर्च के अंदर इंडेक्स करो। तो आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कैसे जो है वो हम अपने आर्टिकल्स को जो है वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा। और साथ में जो है वो आप इंडेक्सिंग वगैरह करो और अपनी साइट के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आओ या सोशल मीडिया से लेके आओ, और उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे आफ्टर 1 मंथ तो आपकी साइट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।